भारत हूं। और मैंने देखा कि किस प्रकार नियति ने आचार्य चाणक्य को मेरे भावी सम्राट चंद्रगुप्त के सामने लाकर खड़ा कर दिया। किंतु आचार्य चाणक्य ने नंदवंश को समाप्त करने की जो प्रतिज्ञा ली थी, उसमें संभावना का कोई स्थान नहीं हो सकता था। चाणक्य ने इसलिए तय कर लिया कि वो चंद्रगुप्त को हर उस स्तर पर परखेगा, जिससे ये निश्चित हो पाए कि वही एक इकलौता व्यक्ति है जो एक गुलाम से अखंड भारत का सम्राट बनने तक का असंभव सफर पूरा कर पाएगा। युद्ध क्षेत्र में उतारकर प्राण संकट में डालने से कम कठिन परीक्षा ले रहा हूं वत्स। अंततः इसमें मुझे अखंड भारत का भावी सम्राट ढूंढना है। उधर अहंकार में चूर मगध नरेश धनानंद ने चाणक्य के लिए मृत्युदंड का आदेश जारी कर दिया था। नहीं जानते हम क्या चाहते हैं। चाणक्य उसमें क्या होता है। अरे इस तरफ नहीं, उस तरफ रख। अरे रुक, तुम लोगों का खाना तो लेता जा। क्यों है? आज तो तूने कमाल कर दिया, शर्त जीत ली। अब तुम्हें सब बढ़िया मिलेगा, बढ़िया रहना, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़े, भला और क्या चाहिए? माँ, मैंने जो भी किया है अपने साथियों की खुशी के लिए किया है। मुझे अपने लिए ये सब कुछ नहीं चाहिए। कैसी पागलों जैसी बात कर रहा है, भला ऐसा कभी गुलामों को मिलता है?
ये सब मिलने के बावजूद भी गुलाम तो गुलाम ही रहेगा ना। तू अभी भी खुश नहीं है? अपने माँ के बगैर चंद्र कभी खुश नहीं रह सकता। मेरी मुक्ति में ही मेरी माँ छुपी हुई, भले ही मुझे कोई जान से मार दे मगर मुझे इस गुलामी से मुक्ति दिला दे, अपनी माँ से मिला। ये बालक पल पल अपनी माँ के लिए छटपटा रहा है गुरुदेव, मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ करके इसे यहां से छुड़ा लेंगे, इसे मुक्ति भी दिला देंगे, परंतु मगध का भावी सम्राट बनाने के लिए इसे तक्षशिला गुरुकुल आखिर कैसे लेकर जाएंगे आप? यह बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे जी पाएगा गुरुदेव? आप मेरी माँ ने तो इसे इसकी माँ से दूर ना करें, इतनी कठोरता ये सह नहीं पाएगा। बिना खोए कभी कोई कुछ पाता है? मैं क्या छीन सकता हूं इससे, ये तो तुमने देख लिया, पर मैं इसे क्या दे सकता हूं ये नहीं देखना चाहोगे? मां से दूरी का दुख सहकर यदि ये तक्षशिला में भावी मगधपति होने की योग्यता प्राप्त कर लेगा तो कितनों के दुख मिटाने वाला बन सकता है ये, कितनों के काम, कितनों का भला, क्या कुछ नहीं कर सकता ये? और फिर अखंड भारत का सम्राट बन गया तो अपने साथ साथ अपनी मां का नाम भी इतिहास में अमर कर देगा, ये सुख भला मिल सकता है हर किसी को? नहीं, पर समय से पहले व्यर्थ काल्पनिक सोच मूर्खता होती है वत्स, अभी इसकी तीसरी परीक्षा हुई कहां है, उसे तो हो जाने दो। गुरुदेव, पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि ये बालक अवश्य जीतेगा। जब स्वतंत्रता के लिए आत्मा को बेचने का प्रश्न सामने आएगा तब ये क्या करता है देखते हैं। आचार्य, मुझे तो लगता है मेरा भारी नुकसान होने वाला है। मेरी आत्मा की परीक्षा क्या है पहले सुन लो। सुनाइए। हर गुलाम की तरह चंद्रगुप्त में भी स्वतंत्र होने की चाह तो होगी, इसीलिए तो खूंटे से बांध कर रखता हूं सालों को। तो इस बार हम चंद्रगुप्त के सामने मुक्ति का प्रस्ताव रखेंगे। 15 फड़ों में खरीदा मैंने उसे। पूरी बात सुनो, समझो, फिर बोलो। ये परीक्षा होगी चंद्रगुप्त की आत्मा की, हम उसके सामने मुक्ति का प्रस्ताव रखेंगे। वो चाहे तो मुक्त हो सकता है, पर बदले में उससे उसके साथियों को जो सुविधाएं मिली हैं, वो छीन ली जाएंगी। आचार्य, मुझे कुछ समझ में नहीं आई आपकी ये परीक्षा। यदि अपनी मुक्ति के लिए वो हामी भरता है तो इस परीक्षा में हार जाएगा वो, क्योंकि फिर ये साबित हो जाएगा कि उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए अपने सभी साथियों के हित की बलि चढ़ा दी। मैं चंद्रगुप्त को आत्मा की इस परीक्षा में हारा हुआ घोषित कर दूंगा, और देखना वो जीतेगा नहीं। और अगर जीत गया तो भद्रभट्ट तुम्हें 15 पण दे देगा।
मैं चंद्रगुप्त को तुमसे खरीद कर तुम्हारा नुकसान भर दूंगा। वाह आचार्य वाह, 15 पॉइंट क्यों? मेरा जो इतना नुकसान हुआ है वो कम से कम 100 पॉइंट लूंगा। ब्राह्मण से व्यापार, रौरव नरक में जाना चाहता है शट, नहीं नहीं अब 15 पॉइंट से काम चला लूंगा मैं। इस बार क्या शर्त होगी? जो भी होगा भाई, अपना चंद्रगुप्त उसे जीत ही लेगा। प्रणाम आचार्य। अंतिम परीक्षा के लिए तैयार? बहुत आसान सा प्रश्न पूछ रहा हूं, पर सोच समझ कर उत्तर देना। तुम स्वतंत्र होना चाहते हो? बिल्कुल। पर जीवन में कुछ भी मूल्य चुकाए बिना नहीं मिलता। प्रश्न यह है, तुम स्वतंत्रता पाने के लिए क्या मूल्य चुका सकते हो? अपनी स्वतंत्रता के लिए मैं कोई भी मूल्य चुका सकता हूं। जानता हूं तुम यहां से मुक्ति पाना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में अपनी मां को मिलने की तीव्र इच्छा है, क्योंकि तुम्हारी मां में ही मुक्ति छिपी है। प्रश्न मूल्य का है। अपनी मां के पास वापस जाने के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं आचार्य। अगर अपने साथियों को मिली सभी सुविधाओं के बदले यदि तुम्हें मुक्ति मिले तो? अगर अपने साथियों को मिली सभी सुविधाओं के बदले यदि तुम्हें मुक्ति मिले तो? पता है कि तुम अपनी मां को कितना चाहते हो और उनसे मिलने की उत्कंठ इच्छा तुम्हारे मन में है, पर जो यहां से बिना मुक्ति के संभव नहीं है। अब तुम्हारे पास अवसर है मुक्ति पाने का, अपनी बेड़ियां खोलने का, अपनी मां से मिलने का, और उसके लिए मूल्य है ये सब सुविधाएं जो तुमने अपने साथियों के लिए शिकारी से जीती है। अपने साथियों को मिली सुविधाएं शिकारी को वापस कर दो। वो तुम्हें मुक्त कर देगा। सोच समझ कर उत्तर देना चाहता हूं। एक तरफ तुम्हारी स्वतंत्रता है जिसमें मां से मिलने की संभावना है, और दूसरी तरफ अपने साथियों को दिलवाई गई सभी सुविधाएं।
किसे चुनोगे? उत्तर क्या है तुम्हारा चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त, अब तुम मुक्त हो और शीघ्र ही हम यहां से चल रहे हैं। मुझे स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता और अपने साथियों की कीमत पर। सबने भरोसा किया है मुझ पर और इन सबने जो पाया है वो उनसे छीन कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। ना ही मुझ और ना ही माँ। चंद्रगुप्त, मन की इच्छा के लिए तुमने अपनी आत्मा को नहीं बेचा, यहां तक कि अपनी मुक्ति को भुलाकर अपने साथियों के हित को ध्यान में रखा। साधु चंद्रगुप्त, साधु। आत्मा की परीक्षा में तुम जीत गए। अद्रवट आचार्य, अच्छा
ये क्या है आचार्य? तुम इसकी चिंता छोड़ो, अब तुम मुक्त हो और शीघ्र ही हम यहां से चल रहे हैं। इसकी बेड़ी काट दो। क्या हुआ? उम्र भर मैंने गुलामों को बेड़ियां पहनाई है, पहली बार किसी गुलाम की बेड़ी काट रहा हूं। शिकारी को 3 बार शर्त में हरा था। मुझे तेरी बहुत याद आती थी, मैं भी तेरे लिए बहुत रोई हूँ रे, बहुत रोई हूँ, लेकिन अब नहीं, अब तो आ गया है ना, अब नहीं, अब बिल्कुल नहीं रोएंगे। माँ? हाँ? मामा कहाँ है? मामा, मामा पास के राज्य में गए, काम की खोज में, जल्दी आ जाएंगे, पर तू रो मत, रोएगा नहीं ना? हाँ? अरे माँ, ये आचार्य चाणक्य है और ये इनके शिष्य भद्रभट्ट, इन्होंने ही तो मुझे शिकारी की गुलामी से मुक्ति दिलाई है। माँ मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी ब्राह्मण देवता, आदेश कीजिए कि ये मुरा आपके लिए क्या कर सकती है, आदेश कीजिए। इस समय तो हमें सोने के लिए स्थान चाहिए माते, कल प्रातः ही हमें निकलना है। ओह भाग्य हमारे, आइए आचार्य जी आइए। आचार्य आप अभी तक सोए नहीं? कुछ चाहिए आपको? माते आओ मेरे साथ।
ये इतनी रात गए आप मुझे राजमहल के सामने क्यों लाए हैं आचार्य? यहां से 22 कदम दूर है मगध का राज सिंहासन, जहां बैठता है वो दुराचारी मगध नरेश धनानंद। यदि तुम चाहो तो तुम्हारा बेटा चंद्रगुप्त बैठ सकता है वहां पर, तो तुम्हारा बेटा चंद्रगुप्त बैठ सकता है वहां पर, तो तुम्हारा बेटा चंद्रगुप्त बैठ सकता है वहां पर। आप मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं आचार्य। मेरा बेटा सुबह तक गुलाम था, वो वहां कैसे बैठ सकता है? यह तो सपने में भी संभव नहीं है आचार्य। सपने देखने वाले ही सपनों को पूरा करते हैं। तुम ये बताओ कि तुम ये चाहती हो या नहीं? क्या मेरे चाहने से मेरा बेटा मगधपति बन सकता है? जाकर तो देखो, खुली आंखों से देखा सपना ही जीवन को एक नया अर्थ प्रदान करता है। आप चाहते क्या हैं आचार्य? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। तुम्हारे बेटे में एक आदर्श राजा के नैसर्गिक गुण हैं। मुझे किसी ने नहीं बताया, पर मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारे बेटे की शिराओं में एक कुलीन क्षत्रिय का रक्त है। हां या ना? उसी को तो आज तक छुपाती आ रही हूं आचार्य। मैं छोटा सा ही सही, हमारा भी अपना एक राज्य था। मुखिया थे चंदू के पिता वहां के, लेकिन एक दिन धनानंद के सैनिकों ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया, हमारे खेत जला दिए, हमारे घर जला दिए। जिसने भी सर उठाना चाहा, उसको भी मार डाला उसने। और आप मेरे बेटे को छीन कर मुझसे उसी युद्ध में झोंकना चाहते हैं आचार्य। मैं और मेरा भाई बचे कुछ लोगों के साथ चंद्रगुप्त को छुपाकर जी रहे हैं। आपको पता है आचार्य, चंद्र के पिता एक निडर क्षत्रिय थे। लोगों के स्वाभिमान के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए धनानंद की सेना के साथ लड़ते लड़ते मर गए, पर झुके नहीं। तुम्हारे इस अन्याय का बदला तुम्हारा बेटा लेगा, जो उसके पिता के साथ हुआ था। पर तुम्हें अपना बेटा तो देना ही पड़ेगा माते। यहां वो हीरा मिट्टी है, मैं उसे तक्षशिला ले जाकर निखारूंगा। मैं करूंगा उसकी समूची शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था, ताकि एक दिन वो मगध के राज सिंहासन पर बैठ सके और यहां से समस्त भारत को एक अखंड राज्य में बदल दे। पर मैं उसके बिना जीऊंगी कैसे आचार्य? निर्णय तुम्हें लेना है माते। या तो अन्य माताओं की तरह अपने बेटे को सीने से चिपका कर जीती रहो, या फिर चंद्रगुप्त के साथ साथ इतिहास में अमर हो जाओ। मैं आपका ये छल कभी नहीं भूलूंगा। मेरा शरीर आपका गुलाम बन सकता है, मगर मेरी आत्मा, मेरी आत्मा आपकी गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेगी आचार्य। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हिसार तुम्हें करना कुछ नहीं है, मात्र राष्ट्रहित के लिए मुझे अपना बेटा सौंपना है।
फिर देखना ये चाणक्य क्या करता है। इतिहास तुम्हारा ये बलिदान हमेशा याद रखेगा। अखंड भारत में तुम्हारे बेटे को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, मूरा का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान नमः। आचार्य आप जा रहे हैं? आप मुझे एक नया जीवन देकर जा रहे हैं आचार्य। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। हम अकेले नहीं, तुम्हें भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं चंद्रगुप्त। मुझे? मुझे क्यों आचार्य? मुझे कहीं नहीं जाना है। माँ, माँ, ये मुझे इनके साथ ले जा रहे हैं। माँ, मैं क्यों जाऊंगा इनके साथ? कह दे इन्हें माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे जाना पड़ेगा चंदू। कहाँ जाना होगा माँ? तक्षशिला चलना होगा तुम्हें हमारे साथ। अब तुम वहीं रहोगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ। ये ऐसे ही मुझे कैसे ले जा सकते हैं? माँ तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? माँ अब तुम्हारी माँ कुछ बोल भी नहीं सकती। जिसने तुम्हें 15 पण देकर खरीदा था, मैंने उसे 15 पण देकर तुम्हें उससे मुक्त करवाया। इस हिसाब से अब तुम पर मेरा अधिकार है। चलो, बहुत दूर जाना है। अब समझा कितनी चालाकी से आपने मेरा सौदा कर लिया आचार्य। आप तो शिकारी से भी बुरे निकले। शिकारी के पास तो मैं अपनी इच्छा से बिका अपने मामा को छुड़ाने के लिए, मगर आपने मुझे छल से खरीदा आचार्य। मैं आपका ये छल कभी नहीं भूलूंगा। मेरा शरीर आपका गुलाम बन सकता, मगर मेरी आत्मा आपकी गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेगी आचार्य, कभी नहीं। मेरा शरीर आपका गुलाम बन सकता, मगर मेरी आत्मा आपकी गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेगी आचार्य, कभी नहीं। Thank you.
कुछ नहीं जानता। मुझ पर दया करो महाराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझे नहीं पता था वो काला ब्राह्मण मगध का द्रोही है। वो तो अपने साथ मेरा एक गुलाम भी ले गया महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कर। वो अपने साथ तुम्हारा गुलाम क्यों लेकर गया? ये तो मुझे नहीं पता माता जी, उसने ऐसा क्यों किया? गुलाम वो अपने साथ लेकर गया क्यों? और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? नहीं नहीं माता जी, ऐसे नहीं जाने दिया। अरे उस ब्राह्मण ने बड़ा चक्कर चलाया माता जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। उसने उस गुलाम की तरह तरह की परीक्षाएं ले ली। कैसी? बताता हूँ माता जी, उस गुलाम ने शर्त जीत ली। पता नहीं कैसे माता जी, फिर भी मैंने कहा कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर पता नहीं कहाँ से ये ब्राह्मण वहां टपक गया। अर्थात चाणक्य ने उस बच्चे की तन मन और आत्मा वाली परीक्षाएं ली और वो बच्चा हर परीक्षा में खरा निकला। तो फिर वो कोई साधारण बच्चा तो नहीं है, कुछ तो है उसमें। और यदि वो इतना परख निरख कर इस शिकारी के पास से ले गया है तो कुछ न कुछ अवश्य चल रहा है चाणक्य के मन में। चाहता क्या है वो? बहुत बड़ा षड्यंत्र बुन रहा है वो मन ही मन में। इस बात को कितना समय हो? अभी कुछ ही दिन हुए हैं माता जी। चाणक्य पाटलिपुत्र से निकल चुके हैं। इससे पहले कि वो मगध की सीमा पार करें उन्हें पकड़ना होगा। मुझे चाणक्य उस गुलाम बच्चे के सहित चाहिए, हर हाल में। छोड़ना मत माता जी, छोड़ना मत उस ब्राह्मण को। मुझे याद बता दिया, मेरा गुलाम भी ले गया। छोड़ना मत, छोड़ना मत। अरे अरे सुनो, रुको, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मेरी बात सुनो। आचार्य, आचार्य चंद्रगुप्त भाग गया। चंद्रगुप्त भाग गया।
बचाइए सेनापति जी, मुझे मगध के देशद्रोही से बचाइए। मैं जिनसे अपनी जान बचाकर भागा हूँ वो मगध के देशद्रोही हैं।